वो हमने अपनी रामायण घर में ही भूल आए हैं, तो हमने सोचा हम गुनगुन को सीता हरण की कहानी सुनाते हुए चलेंगे। राधा और मोहन साथ हैं, तभी तो हिट हैं। बस बेटा, पूरे साल भर का भोजन एक ही दिन परोस दोगे क्या? मोहन, क्या हुआ बेटा? क्या पता नहीं माँ, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। माँ, मोहन, गलत तो तुम्हारा मन है जो इतना घबरा रहा है। कल गुनगुन के साथ जो कुछ भी हुआ, तुम बस उसी वजह से परेशान हो, और इस परेशानी को दूर करने के लिए अभी हमारे पास एक ही तरीका है। ये भोज खत्म करते हैं, ब्राह्मण खुश होंगे तो हम सबको आशीर्वाद देंगे, तुम्हें, मुझे, गुनगुन को, राधा को भी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे भाई, क्यों सबको डरा रहे हो? काका, डरा नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे, ऊपर से ये दो खूबसूरत मैडम, हर जगह ऐसे थोड़ी गाड़ी रोक सकते हैं। हाँ, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, समझ गए? ज्यादा दिमाग मत चलाओ। कौन है ये? इतना रूड है, आई डोंट लाइक हिम। कोई बात नहीं बेटा, जरूर किसी परेशानी में होंगे, है ना? मोहन जी, अब कहाँ पर हूँ? हम सबको आपकी जरूरत है। घर पर भी कैसे पता है, किसी को तो ये भी नहीं पता कि उनकी बहन यहाँ फंसी हुई है। समझती क्या आपने आपको? हद पार कर दिया स्केटकी ने। सुबह से इतने कॉल कर चुका हूं, लेकिन ये कॉल नहीं उठा रही मेरा। अरे राहुल, शांत हो जाओ, फोन पर ध्यान नहीं गया होगा ना उसका। अरे जीजा जी, आप तो जानते हैं ना केतकी को, कि फोन चलाने के अलावा उसे और कोई काम आता है क्या? बस दिन भर फोटोज क्लिक करो और लाइक्स चेक करो। जानबूझ के कॉल नहीं उठा रही है मेरा, वो ईगो दिखा रही है ना अपनी। वो क्या, तो सुबह लड़ाई हुई ना उसके साथ, इसलिए जानबूझ के मुझे कॉल नहीं कर रही वो। नहीं, वो लड़ाई की वजह से कॉल नहीं करी है, पूरा घर जाता है कि केतकी कभी तेरे फोन को इग्नोर नहीं करेगी। माँ, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर। माँ, फोन